ये हो गए भाई के बाल खड़े। कोई नहीं तो भैया, ये है मेरा लुक अभी, और बाद में मैं गाइस दिखाता हूँ आपको। ये इंसान मुझे क्या बना रहा समझ नहीं आ रहा मेरे को, बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देख रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ एक सेकंड। ये हो गए भाई के बाल खड़े। यार साइड क्यों नहीं बड़ी रखता है यार। चलो तो अपना अपना शौक है। भाई लड़के ने बहुत मस्त काम किया यार, है ना। सो टोटली ऑल क्रेडिट गोज टू दिस गाई। गई यार, एक्चुअली पता क्या, आज ना मैंने अपना ब्लॉग अपलोड करना था, पर यार बहुत बड़ी गलती हो गई मैंने, मतलब मेरा पूरा का पूरा फोन ही फॉर्मेट हो गया, और फॉर्मेट के चक्कर में मैंने जितना भी सारा जो वीडियो शूट किया हुआ था सबके सब डिलीट हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को फिर से ब्लॉग शूट करना पड़ेगा। तो बाकी अभी बाल इतने बड़े हो गए थे यार, मतलब रहा नहीं जा रहा था बिल्कुल, तो मैं तो चलो बाल कटवा ही लेते हैं। बाकी पत्ते की एक और बात है, एक सेकंड, यहाँ लिखा हुआ है उधार बंद है भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। चलो कोई नहीं, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, चलता है। रिएक्शन तो भाई इस हंसी के पीछे, सच में सही बात है, हंसी के पीछे दुख है। कोई ना, बिल्कुल मिलेंगे। तो ठीक है भाई, वैसे भी बारिश हो रही थी जब मैं बाल कटवाना जैसे स्टार्ट करना, बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश बंद नहीं, कटिंग मेरा होते ही बारिश भी बंद हो गई। आला, इसको मैंने कितने बार बोला मेरे ब्लॉग में आ जाया कर यार। आता ही नहीं है, एक यार एक वीडियो के बाद तू गायब ही हो गया है ना, क्यों ऐसा, क्यों टाइम नहीं मिलता, चूतिया बना रहा है ये साला, इधर घूमता रहता है। बाकी अपनी ये मर्सिडीज खड़ी है कहाँ पे ये सामने। भाई मैंने लॉक भी लगा रखा पता, तो भाई इसको लॉक भी लगाना पड़ गया, और लॉक लगाने का रीजन ये है, मैं बता रहा हूँ बिहाइंड द रीजन ये है कि इस शॉप के अंदर ना यार थोड़ी चोरी हो गई थी। चोरी क्या हुआ, यहाँ पर सब रखा हुआ, क्या था इसने, इन्वर्टर था। बहुत बड़े चोर लोग हो गए यार, खोल के सारा कुछ सामान लेके उठा के चले गए। बाकी कोई नहीं, चलो फिर मिलते हैं भाई। तो गाइस मैं बाल कटवा के आ गया, और अभी मैं आके अपने छत पे बैठा हूँ, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, बिकॉज यहाँ से ना एक, वैसे भी अभी बारिश हुई है, तो बारिश के कारण ना मतलब एक अच्छी सी हवा चलती है, तो ऊपर बैठ के मज़ा ही आता है। बाकी ये है यहाँ के कुछ नज़ारे, जो कि आपको वैसे मोस्टली आपको मेरे वीडियोज़ में दिख ही जाएगा कि मैं जब भी बैठता हूँ यहीं पर आके बैठता हूँ, क्योंकि यहाँ वाली जगह ना जो मतलब थोड़ा सा अच्छा भी है और सुकून वाला भी है, और यहाँ पर बैठ के किसी की आवाज़ नहीं आती, तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नीचे बैठे तो सारे बच्चे आ जाएंगे, अभी घर वाले का भी, मम्मी पापा और भाई, तो परेशान करते रहते हैं लोग, तो मन ही नहीं लगता यार। फिर मैं कहता हूँ सबसे ऊपर बैठूँगा तो कोई आएगा भी नहीं, और मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो आज देखिए मैं दिखा रहा हूँ,
ये है कुछ व्यू और बाकी अभी बारिश होके हटी है और मैंने क्या किया कि मैं कैमरा लेके और ऊपर आ गया। तो ये है कैमरा कैनन का 1300D और इसकी क्वालिटी मतलब सही बताऊँ तो इसकी क्वालिटी अच्छी है यार। कुछ भी कह लो कैनन का कैमरा जो है क्वालिटी में बहुत बढ़िया है स्पेशली फ़ोटोज़ के लिए। तो मैं यहाँ पर अब ऊपर देखता हूँ, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ भी क्लिक करूँगा और मैं मेंशन भी करूँगा उसमें अपनी वीडियोज़ के अंदर। बाकी एक दो फोटो ले लेता हूँ। और मैं कुछ वीडियोस और फोटोज बनाता हूँ इसके साथ क्योंकि देखता हूँ और अच्छा भी लगेगा आप लोगों को भी। तो गाइस कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस क्लिक करने के बाद मतलब फोटोज ही ओवरऑल क्लिक करा क्योंकि वीडियोस में मज़ा नहीं आ रहा इसको बनाने में, तो मैं सोचा कि अपना GoPro ही काम में यूज़ में लूँ बिकॉज इससे क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और वीडियो की बात करें तो स्टेबलाइजेशन भी बहुत बढ़िया है इसका। तो मुझे लगता है कि कैमरे को कैरी करने से बढ़िया है कि इसी को कैरी करो क्योंकि ये सारा काम एक साथ कर लेता है। इससे कभी कभी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेते हैं और वीडियो तो बन जाता है, स्लोमो बनता है, A to Z सारा काम इससे हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये मच बेटर है मतलब उन सभी से दूसरे वालों से। तो बाकी ये है कुछ व्यू यहाँ का और अच्छा नज़ारा यार देख सकते हैं आप। और बाकी आज मैं वो वीडियो देखा वो बचपन का प्यार मेरा भूलना जा रहा है। अरे यार वो बच्चा गजब मतलब क्या बात है यार। एक बात तो है अगर सोशल मीडिया का पावर बहुत ही ज़्यादा है, अगर किसी को वो चढ़ाना चाहे तो भाई मुझे नहीं लगता कि उसको 10 मिनट भी बहुत कम है, मतलब 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है अगर किसी को पॉपुलर करना हो तो। बिकॉज वो बच्चा इतना जल्दी पॉपुलर हुआ कि अभी रिसेंटली मैंने उसका एक पोस्ट देखा किसी का, उसमें बादशाह के था कि कमिंग सून विद बादशाह। मैं कहूँ माई गॉड ये सही है यार, इतनी जल्दी फेम बहुत कम लोगों को मिलता है। बाकी अच्छा है यार किसी का भला हो तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और बाकी मैं बाल कटवाने गया था आपको दिखा ही रहा हूँ मैं, एक सेकेंड ये देखिए। और बाल कटवाने गया वहाँ पर भी अजीब बात हो गई, मतलब बात ये हुआ कि मैं बाल कटवाने गया वहाँ पे लिखा हुआ था उधार मना है। मैं एक्चुअली घूमने के लिए जा रहा था, जाता मैं घूमने के लिए रहा था पर वहाँ पर क्या हुआ जैसे मैं वहाँ पहुँचा ना कि मेरा बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो मुझे लगा कि भाई अभी काम करते हैं बाल ही कटवा लेते हैं। तो भाई बाल कटवा तो लिया पर बाद में पता लगा कि भाई नहीं यार ये गलत है। बाकी मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे थे मैंने पैसे पे तो कर दिया। वो बोल भी रहा था यार कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं यार अपने पास है मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग देख ही रहे हो ये है कुछ नज़ारे और मैं थोड़ी बहुत वीडियो शूट भी कर सकता फोटो भी इसमें। तो गाइस टाइम लैप्स हो गया कंप्लीट और अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी यार बहुत टाइम लग गया टाइम लैप्स को होने में, करीबन 1 घंटे में यही कुछ 20 से 25 सेकंड का वीडियो बनता है, तो टाइम ऐसे ही ख़त्म हो जाता पता नहीं लगता। बाकी चलो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। और प्लीज़ यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट जरूर करना कि भाई नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँ, क्योंकि सिंपल सी बात है यार हम क्रिएटर्स अभी नहीं हूँ। कभी और बोल लूँगा वो चीज़। बाकी प्लीज़ सपोर्ट।